कासगंज मामले को लेकर बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। योगी सरकार के गन्ना राज्य मंत्री सुरेश राणा का कहना है कि योगी सरकार बेहद सख्त है। 15 सालों से प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई थी। योगी सरकार ने मात्र 9 महीने में प्रदेश की कानून व्यवस्था को रोल मॉडल बना दिया। वहीं मुजफ्फरनगर की शहरी सीट से बीजेपी विधायक कपिल देव अग्रवाल का कहना है कि जिन्हें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने थे वो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन कुछ सिरफिरे लोग अभी भी हिंदुस्तान में बचे हैं। उन्हें मेरी चेतावनी है कि अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने हैं तो वो पाकिस्तान चले जाएं। अगर वो जाना नहीं चाहते हैं तो उन्हें जबरदस्ती ट्रेनों में भरकर पाकिस्तान भेजा जाएगा। हिंदुस्तान में रहना है तो भारत माता की जय और भारत माँ जिंदाबाद के नारे लगाने पड़ेंगे, वरना उनका अस्तित्व खतरे में है। जबकि खतौली से विधायक विक्रम सैनी ने भी इस विषय पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मैं कहूंगा कि योगी सरकार बहुत सख्त है और पिछली 15 साल की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था पूरी तरह से, जो उत्तर प्रदेश की ध्वस्त थी, बहुत तेजी के साथ माननीय योगी जी ने मात्र 9 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देश के लिए रोल मॉडल बनाया है। और निश्चित रूप से कोई भी होगा कानून उसके अपने हाथ में लेने की हिम्मत करेगा तो उसके खिलाफ बहुत प्रमुखता से कार्रवाई होगी और योगी सरकार पूरी शक्ति के साथ किसी भी तरह से उपद्रवियों को छूट नहीं देगी। तो इस घटना के बाद तो लगता है तिरंगा यात्रा के लिए, भारत माता की जय बोलने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी भारत में? इस देश में भारत माता की जय संवैधानिक रूप से सबको बोलने का अधिकार है और भारत माता की जय का नारा मैं ही चैनल पर 10 बार बोल रहा हूँ अभी। भारत माता की जय का नारा और जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय का नारा बोलते हैं तो स्वाभिमान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे उसके खिलाफ क्या कर रही है सरकार? निश्चित रूप से पाकिस्तान जिंदाबाद की नारा लगाने का यदि कोई प्रयास इस देश में रहकर करता है, देश का रहने वाला है, तो कम से कम उन्हें इस दायरे में रहकर के सोचना चाहिए कि देश में रहने वाला व्यक्ति भी यदि इस प्रकार की हरकत करता है तो ये शर्मनाक भी है और निंदनीय है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी भी कुछ सिरफिरे लोग सिर उठाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने से, उससे पहले नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में 125 करोड़ भारतीयों को और उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ भारतीयों को सबका साथ सबका विकास लेकर के दोनों सरकारें काम कर रहे हैं। सवाल इस बात का है, मैं उसी विषय में तिरंगा यात्रा लेनी पड़ेगी। तिरंगा यात्रा निकल रही है भैया, उसका सम्मान करने के कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जिन लोगों को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना था वे लोग विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए और अभी भी कुछ सिर्फ लोग हिंदुस्तान में बचे हैं। मेरी उनको चेतावनी है, अगर उनको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ही लगाने हैं तो पाकिस्तान जाकर के रहें, और वो नहीं रहना चाहते तो जबरदस्ती उनको ट्रेनों में भर करके पाकिस्तान भेजा जाएगा। हिंदुस्तान में रह के भारत माता की जय और भारत माता जिंदाबाद का ही नारा लगाना पड़ेगा, वरना उनका अस्तित्व यह खतरे में है। गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं, तिरंगा यात्रा काफी लोग निकाल रहे थे, ये कोई भी हो, ये तिरंगा हमारे देश की शान है, हमारे देश की आन है। तिरंगा यात्रा पूरे देश में कहीं भी निकाल सकते हैं, किसी गली में निकाल सकते हैं। जो वहां पर पथराव हुआ है, एक व्यक्ति की हत्या हुई है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए तो वे लोग गलत हैं, देशद्रोही हैं। ये लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उनके खिलाफ तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और फांसी की सजा होनी चाहिए अतिशीघ्र।